कि डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एज। तो डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड किया जाता है? तो ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि ये डायगोनल टेंशन, जो ये डायगोनल टेंशन है, ये जनरली बीम में डेवलप कहां पे होता है? डायगोनल टेंशन डेवलप होता है बीम में। तो ये डायगोनल टेंशन डेवलप होता है जहां पे शीयर की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है। तो अगर सपोज कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में शीयर की वैल्यू सबसे ज्यादा कहां होगी? सिंपली सपोर्टेड बीम में शीयर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी सपोर्ट्स पे। तो जनरली ये सपोर्ट्स के आसपास शीयर की वैल्यू हाई होने की वजह से डेवलप होता है डायगोनल टेंशन। और इसी डायगोनल टेंशन को रजिस्ट करने के लिए हम बीम के अंदर प्रोवाइड करते हैं स्टरप्स। क्या प्रोवाइड करते हैं? स्टरप्स। इसी स्टरप्स को हम बोलते हैं शीयर रेनफोर्समेंट। इसी स्टरप्स को क्या बोलते हैं? हम शीयर रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो अगर किसी भी बीम की अगर हम बात करें, तो किसी भी बीम में दो टाइप की रेनफोर्समेंट होती है। एक तो होती है लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, ये जो रेनफोर्समेंट होती है लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ बीम होती है, और एक होती है शीयर रेनफोर्समेंट जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टरप्स। जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है उनका काम होता है फ्लेक्चर को रेजिस्ट करना या बेंडिंग को रेजिस्ट करना, और जो शीयर रेनफोर्समेंट है उनका काम होता है डायगोनल टेंशन। पर ये डायगोनल टेंशन आया किसकी वजह से है? शीयर की वजह से। तो शीयर रेनफोर्समेंट का काम होता है डायगोनल टेंशन को रेजिस्ट करना। ठीक है, तो अब देखें किसी भी बीम में, आरसीसी बीम में जो शीयर रेनफोर्समेंट है वो तीन तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। एक होता है वर्टिकल शीयर रेनफोर्समेंट, वर्टिकल शीयर रेनफोर्समेंट। एक होता है इंक्लाइंड शीयर रेनफोर्समेंट, इंक्लाइंड शीयर रेनफोर्समेंट। और एक होता है बेंट अप बार विथ वर्टिकल और इंक्लाइंड शीयर रेनफोर्समेंट। तो ये तीन टाइप से शीयर रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं, वर्टिकल, इंक्लाइंड, बेंट अप बार विथ वर्टिकल और इंक्लाइंड। तो हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एट। तो डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट यानी कि बात कर रहा है वो रेनफोर्समेंट जो डायगोनल टेंशन को रजिस्ट करे। अब डायगोनल टेंशन को रजिस्ट करने के लिए तो हम क्या देते हैं? शीयर रेनफोर्समेंट। अब शीयर रेनफोर्समेंट को रजिस्ट करने के लिए आप बीम में या तो वर्टिकल शीयर रेनफोर्समेंट दे सकते हो, या तो इंक्लाइंड शीयर रेनफोर्समेंट दे सकते हो, या तो बेंट अप बार दे सकते हो। तो अब इसमें वर्टिकल और इंक्लाइंड तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में क्या लिखा है? बेंट अप बार। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा 19th का, वो क्या बनेगा? बी।